रिजल्ट आया है तो टॉप प्रतिशत रूप से बहुत ज्यादा गई है, इसका अनुमान किसी भी विशेषज्ञ ने लगाया कि अपनी हाईकोर्ट जा सकती है। विशेष होता है कि पेपर में फर्जीवाड़ा बड़े स्तर पर हुआ है और 135 या 90% नंबर लाना किसी के बस की बात नहीं है। उसके बाद भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यही है कि पेपर आउट हुआ है। शिक्षा संकुल में L2 L1 के दोनों ही पेपर एक स्ट्रॉन्ग रूम में रखे हुए थे, लेकिन L2 का पेपर रद्द माना गया लेकिन L1 का नहीं माना गया, क्योंकि चोर जब एक स्टोर रूम में पेपर रख गया था एक को क्यों लगा, वो दोनों क्यों नहीं लगा, क्योंकि उसको दोनों लेवल फायदा है, दोनों को बेचेगा। इसलिए पेपर चोरों ने काफ़ी स्तर पर पेपर लिया है, बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है। इसलिए हमारा निवेदन है सरकार से कि इस पेपर में सीबीआई जाँच हो, निष्पक्ष हो और L1 को रद्द किया जाए ताकि मेहनती ईमानदार बच्चों को न्याय मिल सके। दो तरह के लोग हैं, ईमानदार लोगों के साथ अन्याय हुआ है, जो पेपर चोर उनको डर है कि हमारी जमीन बिकेगी, मकान बिकेगा, तो वो तो चाहेंगे कि हमने पैसे दे उसके बदले हम मास्टर बने ताकि पूर्ति की जाए, और रद्द हुई तो उनको पता है कि हमारी जमीन जो पैसे बेचे वो आने वाले हैं डूबने वाले, इसलिए वो तो मांग करेंगे। सेकंड में SOG ने जांच की थी, SOG का प्रेस नोट में बयान किया कि हमने L1 में कोई अनुसंधान नहीं किया, जब उन्होंने अनुसंधान नहीं किया तो पता चला कि पेपर आउट हुआ नहीं हुआ, इसलिए हमारी मांग है कि निष्पक्ष जांच हो रद्द हो। SOG का सिर्फ कागजी कार्रवाई है कि 300 मैं खंडार क्षेत्र सवाईमाधोपुर से हूँ, अगर वहाँ पर जाए तो मैं जमीन स्तर पर देख लिया तो वहाँ पर भी आपको 16 ज्यादा मिल जाएगी जिनके पास पेपर आउट है और उन्होंने नंबर भी मिलता है 130 135 प्लस है। SOG ने भी खाना पूर्ति की, इसलिए हमारी मांग है कि CBI को जांच की जाए और निष्पक्ष जाए।